हाय दोस्तों, यह है मेरे पास रोज़िन डिस्पेंसर किट और मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है और आपको बताता हूं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको असेंबल करना पड़ेगा हमें। ये अलग अलग पार्ट्स में आता है और इसको असेंबल करने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें रोज़िन डालना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको असेंबल कर लिया। ये चार्जेबल है, इसको चार्ज करना पड़ता है। मार्केट में हर तरह का मिल जाता है, जो डायरेक्ट लाइट से भी चलता है और चार्जेबल भी मिल जाता है। इसमें एक एलिमेंट लगा हुआ है जो गर्म होता है, जैसा हीटर में होता है। तो रोज़िन को जो डालना है इस एलिमेंट के ऊपर डालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें डाल दिया नली में और फिर कोशिश करते हैं तो वो चल नहीं पाता है। इसके आगे ये लगा लेते हैं। ये इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। जब नया हम लेते हैं तो इसको ऑन करने में प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों आपको बता दूँ इसको 5-6 बार दबाना है, दबा के छोड़ देना है, फिर ये वर्क करने लगता है। अभी जो मैंने इसमें रोज़िन डाला है वो पिघलने लगा है धीरे धीरे। एक मदरबोर्ड ले लेते हैं खराब सा। धीरे धीरे ये गर्म होने लगा और इसमें से रोज़िन निकलने लगा। तो आप देख सकते हैं आप
दोस्तों ये हमारे काम को कितना आसान कर देता है। पहले हम आयरन से ये सारे काम करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आप पूरे मदरबोर्ड को जरा सी देर में चेक कर सकते हो किसी भी शॉर्ट किलर से रोजिन डालने के बाद। आपको एक बार करीब से दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और ये मुझे लगभग 1150 रुपये का पड़ा है। इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है और ये चार्जेबल है। मैं बता देता हूँ आपको इसको चार्ज कैसे करते हैं। हमें इसको निकाल देना है चार्ज करने के लिए। यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ से खोल लिया इसको और ये है इसका चार्जेबल सॉकेट। इसको यहाँ से असेंबल कर देना है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको ये चार्ज कैसे होता है। इसको सिर्फ इसमें लगा देना। कोई भी चार्जर हो आपके पास, और ये चार्ज होने लगा है। पंद्रह से बीस मिनट में दोस्तों काफी चार्ज हो जाता है। इसको आपको बहुत हिफाजत से रखना पड़ेगा। अगर इसका ये नली टूट जाए तो फिर मिलेगी नहीं। फिर आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए इसको संभाल कर रखे हैं गिर ना जाए। ये कांच की बनी भी होती है, अगर गिर गई तो टूट जाएगी दोस्तों। बाकी यही इस्तेमाल है, ये आसान है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना दोस्तों। और अब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेटिंग मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।